हनुका ग्रुप, हम सपना सच करते हैं। हम सपना सच करते काम में धानुका ग्रुप जो आज के आयोजन लेके आ रहा है,
मैं समझता हूँ ये बिल्डर का राजस्थान का शायद पहला आईपीओ है, साथ में एमएसएमई इससे काफी प्रोत्साहित होगी और आगे आपके इस मार्गदर्शन से काफी आईपीओ आगे आएंगे। नहीं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या इन्वेस्टर मीट होती है तो जब स्टेटमेंट या मेरा प्रेजेंटेशन बोल रहे हैं चालू करना चाहता हूँ एडवाइस के साथ। एडवाइस है हितेश जी के लिए, बट समवेयर ना हितेश जी ने मेरी उस एडवाइस को खुद ने अपने प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंट किया। मेरी एडवाइस जो रहती है वो ये रहती है कि किसी भी कंपनी के लाइफ साइकिल में 14 साल पुरानी आपकी कंपनी हो चुकी है, एडल्टहुड में मैं बोल सकता हूँ, यू कैन कंपेयर द इवेंट ऑफ लिस्टिंग टू द वेडिंग ऑफ अ गर्ल। एक लड़की की शादी होती है, वो एक नई फैमिली में मूव करती है, जब नई फैमिली में मूव करती है तो उसको बहुत सारे नए फैमिली मेंबर्स मिलते हैं। कंपनी के केस में यू गेट लॉट ऑफ न्यू शेयर होल्डर्स, उस घर की नई रीति रिवाज होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लिस्टिंग के कंप्लायंस होते हैं, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो ये एडवाइस था जिसे मैं जनरली स्टार्ट करता था प्रेजेंटेशन में, बट हितेश भाई ने वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया है कि हम जब लेके आ रहे हैं तो एक कमिटमेंट है हमारा, हमारी एक ड्यूटी है टुवर्ड्स द स्मॉल शेयर होल्डर। आई बिलीव यू आर गोना कंटिन्यू विद योर स्टार्टिंग वर्ड्स कि ये शब्द नहीं है, दिस शुड बिकम योर एथोस, नॉट ओनली यू और एथोस ऑफ द कंपनी वेयर इन द बेनिफिट एंड द सेफगार्ड ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर्स बिकम द प्रायोरिटी ऑफ योर कंपनी, नॉट योर ओन। एंड ऑफ द डे आपकी कंपनी में जब छोटे शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ रही है, इनडायरेक्टली आप 3/4 के मालिक हैं, आपकी वैल्यू भी बढ़ रही है। एवरीवन, सबसे पहले मैं धानुका जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उनके कंपनी धानुका रियलिटी के पब्लिक ऑफर के लिए हमको ई सिक्योरिटीज को एज अ मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि धानुका रियलिटी जो है वो राजस्थान की पहली रियल एस्टेट कंपनी है जो NSE इमर्ज के ऊपर अपना आईपीओ लेके आई है। सो वी आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद यू।